माई क्लासेस टेक क्लासेस। गाइस आज मैं अपनी दूसरी वीडियो डालने जा रहा हूँ। अगर आपने पहली वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। दिस इज माई सेकेंड वीडियो। पहली वीडियो मैंने सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स बताया था, लेकिन इस बार हम क्लास 12 का पहला चैप्टर उठाने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसको आज हम देखेंगे। सो गाइस अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके उस पहली वीडियो को देख लें, क्योंकि बिना पहली वीडियो देखे ये वीडियो समझने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। तो गाइज आइए शुरू करते हैं। गाइज अब हम आज शुरू करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आज हम देखेंगे। सबसे पहले आता है गुड्स। गुड्स गुड्स होता क्या है? गुड्स आर द मटेरियल्स व्हिच फुलफिल द ह्यूमन यूटिलिटी। गाइस क्लास 11th में आपने यूटिलिटी टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा होगा यूटिलिटी। तो इन हिंदी गुड्स आर द मटेरियल। गुड्स एक ऐसा मटेरियल है जिसको हम कंज्यूम करने के बाद हमारा ह्यूमन सेटिस्फेक्शन या ह्यूमन यूटिलिटी पूरा हो जाता है। जैसे किसी भी चीज़ को खाने के बाद हमारे जैसे भूख पूरी हो जाती है, वैसे किसी गुड्स को खरीदने या लेने के बाद हमारी यूटिलिटी कम्प्लीट हो जाती है, वह गुड्स कहलाता है। I repeat, goods are the materials which fulfill the human utility or human satisfaction level. And goods को दो classification of goods, goods को classified कितने किए गए हैं वो देखते हैं। Classification of goods, goods को basically two types classify किया गया है। एक होता है consumer goods और दूसरा होता है intermediate goods। Consumer goods क्या होता है? Consumer goods are those goods which humans directly utilize for their satisfaction. कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए यूटिलाइज करता है, वो होता है कंज्यूमर गुड्स। आई रिपीट, कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच द कंज्यूमर यूटिलाइज्ड फॉर देयर ओन सेटिस्फेक्शन और देयर ओन यूटिलिटी इज नोन एज द कंज्यूमर गुड्स। एंड कंज्यूमर गुड्स भी तीन टाइप के होते हैं, चार टाइप के, आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है ड्यूरेबल गुड्स। गाइस ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है? आप ड्यूरेबल मतलब जानते होंगे कि लंबे समय तक। ड्यूरेबल गुड्स मीन्स ऐसे जितने भी गुड्स हैं जिनको हम लंबे समय तक यूटिलाइज कर सकते हैं वो होते हैं ड्यूरेबल गुड्स। इन इंग्लिश दोज गुड्स विच आर यूटिलाइज्ड और यूज्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज ड्यूरेबल गुड्स। एग्जांपल ड्यूरेबल गुड्स का एग्जांपल ले लिया जैसे मोटर व्हीकल्स हैं। जितने भी अपने मोटर व्हीकल्स हैं आप उनको हर साल नहीं खरीदते, एक बार खरीद लिए तो 10 साल 15 साल 8 साल उसको आप चलाते चलाते हैं, वही होता है ड्यूरेबल गुड्स। एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स का होता है ऐसे गुड्स जिनको हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मिल्क है, उसको सिर्फ आप एक कुछ दिन के लिए यूज कर सकते हैं, अगर उसको ज़्यादा दिन तक रखेंगे आप तो खराब हो जाएंगे। इसकी डिफिनेशन होगी दोज गुड्स विच आर यूटिलाइज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और यूज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। एंड सेमी ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज फॉर एन अकाउंटिंग ईयर। गाइस अकाउंटिंग ईयर आपको पता होगा, नहीं पता होगा मैं बता दे रहा हूँ। एक अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। एक अप्रैल से 31 मार्च ये अपना अकाउंटिंग ईयर होता है। कॉमर्स वाले होंगे तो इसको जानते होंगे, जो नॉन कॉमर्स है उनके लिए बता दे रहा हूँ। एक अप्रैल से 31 मार्च के जो टाइम पीरियड होता है उनको हम अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। तो आइए आते हैं सेवन डिसंबर। सेमी ड्यूरेबल गुड्स दोज गुड्स विच आर यूज फॉर अ पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज सेमी ड्यूरेबल गुड्स। जैसे अपने जितने भी बजट बनते हैं हर ईयरली चेंज होते हैं, वही जो ईयरली बजट जो बनते हैं वही होते हैं सेमी ड्यूरेबल। गाइस बजट दूसरा है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बजट कोई गुड्स नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो ऐसे ही होता है। नॉन मटेरियलाइज्ड गुड्स, गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन मटेरियलाइज्ड गुड्स, नॉन मटेरियलाइज्ड गुड्स क्या होता है? Those goods which the human utilize for their own satisfaction. फिर बताता हूँ, the human, the consumer who utilize the goods for their own satisfaction is known as the non-materialized goods. Non-materialized goods को हम दोबारा कभी कंज्यूम नहीं कर सकते। अब जितने भी गुड्स हैं कंज्यूमर एक बार यूज कर लिया अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल पूरा करने के लिए, वही होता है नॉन मटेरियलाइज्ड गुड्स। एंड कैपिटल गुड्स, गाइस कैपिटल गुड्स क्या होता है? कैपिटल गुड्स goods which are used for several years
हिंदी कैपिटल गुड्स क्या होता है? कैपिटल गुड्स मतलब ऐसे जितने गुड्स हैं जिनको हम एक साल में यूज करके बल्कि कई साल तक यूज करते रहेंगे, जैसे अपने मान लो बिल्डिंग है, जितने भी अपनी मशीनरी टूल्स हैं, वो जितने भी अपने गुड्स हैं जिनको हम एक साल से ज्यादा यूज कर सकते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल तक, उनको हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। अब आते हैं गाइस अपने दूसरे क्लासिफिकेशन पे, इंटरमीडिएट गुड्स। Intermediate goods means simply means that intermediate goods is a raw materials. जिनको finished goods को तैयार करने के लिए गाइस आपको पता होगा कि बिना raw material के कोई finished goods बन नहीं सकता। वही जो finished goods को बनाने के लिए जो raw material यूज होता है वही होता है intermediate goods। अब आते हैं intermediate goods के जो classified है, raw material। raw material क्या होता है गाइस? सीधी सी बात, raw material जितने आपके natural product हैं, जितना हमको नेचर से मिलता है वही होता है रॉ मटेरियल। जैसे कोल है, जितने भी हमारे ऑक्सीजन है, ये जब होते हैं, ये सब होते हैं रॉ मटेरियल्स। सेमी फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स ऐसे गुड्स जो अभी बाउंड्री प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन में क्रॉस नहीं किए हैं, मतलब वो आधे तैयार हो गए हैं लेकिन पूरा कंप्लीट होना उनके बचा है। अब आते हैं फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स दोस गुड विच क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन इज नोन एज द फाइनल गुड्स। I repeat, those goods which are cross the production boundary line is known as the final goods. ऐसे goods जो production boundary line को cross कर चुके हैं, उनको final goods कहते हैं। Final goods basically two types के होते हैं, producer final goods and consumer final goods. Producer final goods जब उनका product एकदम completely बनकर तैयार हो जाता है, वो होता है उनका producer final goods, and consumer final goods जिनको हम वो प्रोडक्ट बनने के बाद जो हम कंज्यूम कर लेते हैं, जो लास्ट कंज्यूमर होता है वही होता है कंज्यूमर फाइनल गुड्स। सो गाइस इसमें कंज्यूमर फाइनल गुड्स एंड प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि इस बार गाइस मैंने पहले भी आपको बताया था इस बार एमसीक्यू क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो एमसीक्यू क्वेश्चन में आप जाना कहाँ से पूछ ले आप नहीं जानते ना मैं जानता हूँ। सो गाइस अभी के लिए फर्स्ट ये क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इतना हो गया है, तो आप यूटिलिटी जानते ही होंगे, यूटिलिटी क्लास लेवन में आपको मिलेगा। यूटिलिटी एक डेफिनेशन में बताया जा रहा हूँ, यूटिलिटी मींस दैट ह्यूमन सेटिस्फैक्शन, ह्यूमन सेटिस्फैक्शन, जो ह्यूमन सेटिस्फैक्शन फुलफिल करता है वही होता है यूटिलिटी। गाइस मैं कुछ देर लिए साइड हो जा रहा हूँ, आपको इसको नोट करना है, नोट कर लें। गाइस जब आप आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया था फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, अब आपको उसी को डेफिनेशन, पर्टिकुलर डेफिनेशन आपको लिखाने जा रहा हूँ, 14 पॉइंट लिखाऊंगा जिसको आपको लिखने के बाद नंबर मिलेंगे। आइए देखते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स। It is finally purchased by the consumer for the satisfaction of their wants. जैसे कल आपको बताया था consumer goods क्या होता है? It is finally purchased by the consumer. Consumer द्वारा खरीदा जाएगा for the satisfaction of their wants. अपने wants को fulfill करने के लिए जो consumer goods purchase करेगा वही होता है final consumer goods. जैसे bread है, milk है, जितने भी अपने नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जिनका हम सिर्फ एक बार या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में यूज करते हैं वही होता है फाइनल कंज्यूमर गुड्स। एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है? दोज गुड्स व्हिच आर रेडी टू यूज फॉर देयर एंड यूजर। जो प्रोड्यूसर लोग अपना जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, वो जब फाइनली प्रोड्यूस हो जाता है, जब वो कंज्यूम करने के लायक हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। जितने जैसे मशीन्स हैं, टूल्स हैं, उनको बनाने में टाइम लगता है। जब मशीन और टूल्स बनकर तैयार हो जाती हैं एंड यूजर को, मतलब जो भी उसको खरीद के ले जाएगा, उसको जब वो यूज करेगा, वही होता है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। गाइस कंज्यूम मतलब कुछ सिर्फ खाना नहीं होता, कंज्यूम मतलब होता है किसी भी चीज को यूज करना, या किसी भी चीज को खाने से मतलब नहीं है कि जब खा लेंगे तभी कंज्यूम करेंगे, किसी पर्टिकुलर गुड्स को यूज करना कंज्यूम कहला सकता है। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, आज की वीडियो बस इतना ही, बाकी अगली वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंडिचर देखेंगे, इन्वेस्टमेंट देखेंगे, स्टॉक एंड डिपॉजिट देखेंगे, ऐसे बहुत टॉपिक है, बिजनेस साइकिल्स हैं उनको देखेंगे। सो गाइस आज के लिए अभी मैं टॉपिक यही में एंड किए दे रहा हूँ, लेकिन कुछ सेकंड के लिए मैं बाहर हो जा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए।
तो भाई ये था हमारा आज का वीडियो। आज वीडियो में बस इतना ही। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। सो गाइस ये आपकी वीडियो कैसी लगी लाइक कर लाइक कमेंट करके बताएं। सो गाइस दिस इज द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।